ये बुजुर्ग दाऊद जिसको खुदा ने सरफराज किया और महल बनाकर देवदार की लकड़ियों का महल बनाकर उसमें वो रहने लगा। खुदा ने उसको उसके चारों तरफ दुश्मनों से आराम भी दे दिया। लोग जो सरफराजी और बुलंदी पर जाकर भी खुदा को याद रखते हैं, याद रखें, खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है। खुदा को याद रखने का मतलब है कि खुदा के बारे में सोचना, खुदा की फरमा बरदारी के बारे में सोचना, खुदा की इबादत के बारे में सोचना। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो। खुदावन के कलाम पर मबनी एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हूँ। खुदावन को मत भूलना। भूल जाना इंसान की फितरत है और बहुत से लोग जब सरफराज होते हैं, बरकत पाते हैं, तो खुदा को भूल जाते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बरकत का सबब है जो लोग खुदा के साथ वफादार रहना चाहते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो से जरूर बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा को कभी ना भूलें। हमें खुदा को हर वक्त याद रखना है। याद रखने से मुराद ये नहीं है कि जिस तरह से आम तौर पर हम कुछ चीजों को याद रखते हैं और कुछ चीजें भूल जाते हैं। खुदा को याद रखने का मतलब है कि खुदा के बारे में सोचना, खुदा की फरमा बरदारी के बारे में सोचना, खुदा की इबादत के बारे में सोचना, खुदा के काम के बारे में सोचना, खुदा की मर्जी को पूरा करने के बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी है कि हम जिस हाल में भी हों खुदा को याद रखें। बाइबल मुकद्दस हमें इस वे में सिखाती है कि वो लोग जो सरफराजी और बुलंदी पर जाकर भी खुदा को याद रखते हैं, याद रखें, खुदा ऐसे लोगों को बरकत देता है, पसंद करता है। बाइबल मुकद्दस में से मैं जो आज मिसाल आप लोगों के सामने पेश करूंगा वो बुजुर्ग दाऊद की है। दूसरा शमूएल 7वां बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। कलाम में लिखा है, जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावन ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदा का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। बुजुर्ग दाऊद की मिसाल मैं आपके सामने रखकर ये बात समझाना चाहता हूं और आप लोगों के साथ मिलकर सीखना चाहता हूं कि बुजुर्ग दाऊद जिसको खुदा ने सरफराज किया और महल बनाकर देवदार की लकड़ियों का महल बनाकर उसमें वो रहने लगा, खुदा ने उसको उसके चारों तरफ दुश्मनों से आराम भी दे दिया, सरफराजी भी दे दी, माल और दौलत। बुजुर्ग दाऊद एक चरवाहा था,
और चरवाहे को उठाकर बादशाह बनाया, और सोना चांदी माल और दौलत कसरत से खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को अता किया। लेकिन एक खास बात जो बुजुर्ग दाऊद के अंदर हमें नजर आती है कि इतनी बड़ी सरफराजी के बाद भी जब वो अपने महल में रहने लगा तो मेरे अजीजों वो खुदा के बारे में सोचता था, खुदा को नहीं भूला, खुदा की इज्जत और खुदा की ताज़ीम उसके दिल में वैसे ही थी जैसी पहले दिन से। बहुत से लोग हैं जब वो सरफराज हो जाते हैं, महल बना लेते हैं, दौलत जमा कर लेते हैं, तो मगरूर हो जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं और अपने आप को भी भूल जाते हैं और अपने खुदा को भी भूल जाते हैं, और ये खुदा के नजदीक नापसंदीदा बात है। इसी वजह से खुदा ने ये हुक्म भी पहले से दे रखा था बनी इसराइल कौम को, जब खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया तो खास ताकीद की कि जब तू खुशनुमा घर बनाकर उसमें रहने लगे तो खुदावंद अपने खुदा को मत भूल जाना। मैं ये हवाला इस्तिस्ना की किताब उसके 8वें बाब की 11वीं आयत में आपके सामने पढ़ देता हूं। लिखा है, सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। 12वीं आयत में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे। 3वीं आयत में लिखा है, और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए। तो 14वीं आयत में लिखा है, तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावन अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। आमीन। तो ये खुदा का हुक्म भी है कि जब तू खुशनुमा घर बनाकर रहने लगे, तेरे पास सोना चांदी बाकसरत हो जाए और माल तेरे पास बहुत हो, सरफराजी तुझे मिल जाए, इख्तियार तेरे पास हो, तो तू खुदावंद अपने खुदा को भूल ना जाना। क्योंकि जो लोग खुदा को भूल जाते हैं उनको मगरूर और तकब्बुर से भरे हुए इंसान माना जाता है और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा को याद रखने से मुराद है उसके आइन और उसके हुक्मों पर अमल करना, जिस तरह से बुजुर्ग दाऊद बाहैसियत एक चरवाहा खुदा की प्रस्तुति करता था, खुदा के कवानीन को मानता था, उसी तरह से बाहैसियत बादशाह एक अमीर तरीन आदमी होने के बाद भी बुजुर्ग दाऊद खुदा को नहीं भूला। इसमें मेरे और आपके लिए जो सबक है वो यही है कि हालात बदलते रहते हैं, जिस तरह से मौसम बदलते हैं हालात भी बदल जाते हैं। सरफराजी और पस्ती खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है सरफराज करता है और जिसे चाहता है पस्त कर देता है। लेकिन हमें हर हालत में अपने खुदा की इबादत करनी है, उसकी ताजीम करनी है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। अगर आज आप सरफराज हैं, आपका कारोबार, आप कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप कामयाब हैं हर तरह से, तो थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर भी गौर करें कि कहीं आप खुदा के कलाम को तो नहीं भूल गए, कहीं आप दुआ करना तो नहीं भूल गए,
कहीं आप खुदा के कलाम को मानना तो नहीं भूल गए? सोचें, अगर आप नौजवान हैं, इस वक्त जवानी की अय्याशियों में मुब्तला होकर आप अपने खुदा से दूर तो नहीं हो गए जिसने आपको जमीन पर पैदा किया है, जो जवानी और बुढ़ापा दोनों की हिफाजत करता है। अपने खुदा को याद रखें, और अपने खुदा को याद रखने का तरीका है उसके हुक्मों पर हमेशा अमल करते रहना। खुदा के कलाम पर अमल करें और बरकत पाएं। खुदावन हम सबको अपने साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।